लास्ट टाइम मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि मैंने ये दिखाया था कि एनएटीएस का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एनएटीएस का सर्टिफिकेट को कैसे डाउनलोड करना है, और उन्होंने कमेंट सेक्शन में जाके बहुत सारे कमेंट भी करे थे, अजीब अजीब कमेंट थे। मुझे ऐसा लगा कि इनको तो एनएटीएस के बारे में पता ही नहीं है, इन्हें डिटेल में बताना पड़ेगा कि एनएटीएस है क्या। तो घबराइए मत, मैं आपके सारे प्रश्नों का आंसर दे दूंगा आज इस वीडियो में, और जो भी आपकी क्यूरीज रही हैं कि सर एनएटीएस के सर्टिफिकेट में डिले हो रही है, सर हमारा सर्टिफिकेट जनरेट नहीं हुआ है, या फिर सर हमारे सर्टिफिकेट में कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, आपका हर प्रश्न का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि जो एनएटीएस होती है, एनएटीएस मतलब नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, ठीक है। नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, इसके तहत क्या होता है कि गवर्नमेंट की चलाई हुई एक स्कीम है जिसमें आप 1 ईयर के एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद, और 1 ईयर आप किसी कंपनी में जाकर के एज अ फ्रेशर काम कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो आप एक्सपीरियंस होल्डर हो जाते हैं। इसका बेनिफिट आपको अप्रेंटिस के बाद मिलता है, जब आप दूसरी इंडस्ट्री में जाते हैं कहीं और तो आप एक्सपीरियंस होल्डर के बेस पर काम करते हैं, ठीक है। तो होता क्या, जब आप कॉलेज से निकलते हैं, आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वो आपको एक्सपीरियंस मांग दिया, एक्सपीरियंस है नहीं तो आप एनएटीएस के थ्रू वहाँ पे ज्वाइन होते हैं। कुछ कंपनियाँ आपको एनएटीएस के बेस पर, कुछ नहीं, अब तो हर कंपनीज ले रही है एनएटीएस के बेस पर, ठीक है। अप्रेंटिस के बेस पर आपको लेंगे तो आपसे अप्रेंटिस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पहले, ठीक है। जब वो कंपनी आपको लेगी तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाएगी, ठीक। रजिस्ट्रेशन आपको खुद से करना पड़ता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप कभी भी रजिस्ट्रेशन करें अप्रेंटिस का आने वाले टाइम में, या जो स्टूडेंट्स अभी कर रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने कर चुका है, तो सबके लिए है कि जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं, एनएटीएस नहीं किसी भी फील्ड का हो, आप गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करें या कहीं भी करें, ठीक है, तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो आप खुद से फिलअप करें फॉर्म। फॉर्म आपको खुद से फिलअप करना चाहिए, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए करें, ठीक। क्योंकि जो आपका डिटेल है वो आपको पता है, आपके किसी दूसरे को नहीं पता जिससे आप करवा रहे सामने वाले से, ठीक है। आपको पता है आपका नेम, फादर नेम, स्पेलिंग, मार्क्स, एड्रेस, सब कुछ आपको पता है, ठीक। तो आप ही अपना फॉर्म को फिलअप करें, ठीक है। प्रॉब्लम आती है तो आप यूट्यूब पे वीडियोस देखिए कि सर कैसे फिलअप करना है, मेरी वीडियोस देखिए एनएटीएस रिलेटेड, या फिर मैं आपको गाइडेंस भी करता रहूंगा आने वाले टाइम में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। मैं हूँ आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आपकी कोई भी स्टडी रिलेटेड मटेरियल होता है या कुछ भी आपका इशू होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आप बहुत सारे आपके यूट्यूबर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो इनके भी आपको फॉलो करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप जब भी फॉर्म फिलअप करें तो आप खुद से करें, ठीक है। मैं कहूँगा क्योंकि कुछ मिस्टेक्स कर देते हैं साइबर कैफे से अधिकतर लोग जाते हैं करने, मुझे पता है कि मैंने भी करवाया था और कई सारी मिस्टेक्स भी हो गई थी, तो मैंने उसको करेक्ट करवा लिया था। तो आप साइबर कैफे से करें, होम से करें, या कहीं से भी करें, फिलअप आप खुद से करेंगे, ठीक है। और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार ओवरव्यू कर लेना बहुत ज़रूरी है। ओवरव्यू कर लेने से एक बार आप उसको नज़र मार लेंगे तो आपको जब श्योर हो जाए तो आप उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। उसके बाद कुछ होता है तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो भी पहला काम करें रजिस्ट्रेशन तो ध्यान से करें, ठीक है। और उसके बाद आप किसी उस कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन करने के बाद। और होता क्या है कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी दिन से आपका 1 ईयर काउंट होना शुरू हो जाता है, ठीक। अगर आपने आज से किया है तो आज से आपका रजिस्ट्रेशन काउंट होना शुरू हो जाएगा, 1 ईयर आज से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर इसी टाइम, इसी आज की डेट में ही आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर जब आप कंपनी में काम कर रहे होते हैं एज अ फ्रेशर, कंपनीज आपको ग्रेडिंग देती है। ग्रेडिंग मतलब हर 3 महीने पे वो आपका परफॉर्मेंस को देखती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखती है, आपका वर्किंग स्टाइल देखती है, और हर 3 मंथ्स में आपको ग्रेडिंग देती है। ग्रेडिंग और 0 से लेकर 10 तक की होती है, ठीक है। जहाँ पे 0, 2 ये जो होगा निचले स्तर की होगी, और 10 जो होगा आपका अच्छा होगा। 0 मतलब खराब, 10 मतलब अच्छा। हर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करके ग्रेडिंग्स बनी हुई हैं। आपके सर्टिफिकेट में होगा वो, मैं आपको दिखाऊंगा कैसा होता है। उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल, रिटर्न स्किल, टेक्निकल स्किल, एजुकेशनल स्किल्स, और आपका वर्किंग स्टाइल वगैरह बहुत सारे उसमें होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ग्रेडिंग कंपनी अपलोड करती रहती है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये भी कहना था कि सर हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है लेकिन हमारा सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है,
आपका सर्टिफिकेट आएगा, आपने 1 ईयर कंप्लीट कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर रखा है, 1 ईयर के बाद आपका सर्टिफिकेट आएगा, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ थोड़ा डिले होता है, सब्र रखना चाहिए, डिले होता है, कुछ डिले आपकी कंपनीज कर देती हैं जहाँ से आप करते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं तो प्रॉब्लम होना जाहिर सी बात है। कुछ डिले यहाँ हो जाएंगे, कुछ डिले NATS से हो जाएंगे और सर्टिफिकेट आने में डिले होगा, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, और मुझे इतना कुछ पता है NATS के बारे में कि मैंने भी वहीं से किया हुआ है अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो हुआ ये था कि मैंने 10 अगस्त 2017 को मैंने ज्वाइन किया था, ठीक है, और मेरा जो कंप्लीट हो गया था 1 ईयर 9 अगस्त 2018 को, बट सर्टिफिकेट मुझे मिल रहा है 2019 में, अभी हाल ही जून में आया हुआ है मेरा सर्टिफिकेट, मैंने अभी कल परसों ही देखा है, तो जून 2019 में आ रहा है, यानी कि पूरे 2 ईयर के बाद आ रहा है। ठीक है, 1 ईयर कंप्लीट हो गया, उसके 1 ईयर बाद आ रहा है, यानी कि 2 साल हो गए मुझे सर्टिफिकेट अब मिलेंगे 2 साल बाद। ठीक है, लेकिन मिलता है, मुझे भी लगा था कि नहीं मिलेगा यार, बेकार की चीज़ें, फिर मैंने यूट्यूब पर देखा तो मैंने थोड़ा सर्च वगैरह करा और मैंने पढ़ा भी NATS से, मैंने कॉल भी करा था NATS पे, तो उन्होंने बताया कि आपका सर्टिफिकेट आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा डिले हो रहा है, ग्रेडिंग्स आपकी अपलोड नहीं है। तो जिन किसी का भी अगर ऐसा हो रहा है कि डिले हो रहा है, तो आप अपने एक बार अपने कंपनी के स्टाफ से जाके बात करें, HR मेंबर से, कि सर हमारा जो अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन जो किया हुआ था उसका आपने ग्रेडिंग डाला या नहीं डाला, सर्टिफिकेट आने में देरी हो रही है, तो वो आपका चेक करके आपको बता देंगे कि आपका ग्रेडिंग अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप वहाँ जाके संपर्क करते हैं, अदरवाइज आप NATS के हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, उनके रीजनल बने हुए हैं नॉर्थ साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न करके, तो आप जहाँ के भी हैं, नॉर्थ के हैं तो नॉर्थ से कॉन्टैक्ट करेंगे, ईस्ट के हैं तो ईस्ट से, साउथ के हैं तो साउथ से, उनके रीजनल में आप कॉल करके पता कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे कैंडिडेट का कहना ये भी था कि सर हमने अप्रेंटिसशिप के दौरान बहुत सारी लीव्स ले रखी हैं कंपनी में, तो क्या हमारा अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आएगा, नहीं आएगा, कुछ इशू होगा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपने अगर छुट्टियां ली है, SLC ली है, तो आपकी छुट्टियां होती हैं, ठीक है, सिक लीव और पॉज लीव जो होती हैं वो आपकी होती हैं, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट में कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना के बराबर होता है, आपका सर्टिफिकेट आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट्स का कहना ये था कि सर सर्टिफिकेट के लिए हमें कोई मैसेज आएगा या फिर हमें इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, तो देखिए आपका कोई मैसेज वगैरह नहीं आता है, क्योंकि मेरे पास भी नहीं आया था, तो आपको रेगुलरली विजिट करना होता है साइट पर, कि 1 ईयर कम्प्लीट हो जाए तो 3 मंथ्स 4 मंथ्स के बाद आप विजिट कर लीजिए साइट पर, आता है तो ठीक है, आप कॉन्टैक्ट कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं आता तो आप कॉन्टैक्ट कीजिए अपने HR डिपार्टमेंट से या फिर अपने और जो भी आपका रीजनल होता है NATS का, वहाँ पर आप संपर्क कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है NATS के बारे में, अगर और भी कोई इश्यू होता है आपका, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको अभी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि NATS का सर्टिफिकेट कैसा होता है, और एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि वो आपको कैसे डाउनलोड करना है, तो आइए चलते हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर। तो यहाँ हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो सबसे पहले अपने मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे आप। ठीक है, मोबाइल का ब्राउज़र हो जाने के बाद यहाँ गूगल पर आप लिखेंगे NATS लॉगिन। ठीक है, NATS लॉगिन लिखने के बाद ये NATS का आपका पेज एक आ जाएगा, नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम करके, तो यहाँ पे लॉगिन सेक्शन पे आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, क्लिक करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका लॉगिन का पेज आ चुका है। ठीक है, लॉगिन का पेज, तो आपको यहाँ पर ईमेल, मोबाइल, यूज़र आईडी और पासवर्ड के साथ आपको लॉगिन करना है, कोई भी एक आप डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं अपने मोबाइल से लॉगिन कर रहा हूँ, आपके पास जो भी हो आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये देखिए, लॉगिन करने के बाद यहाँ प्रोफाइल खुल गई है मेरी। ठीक है, यहाँ पर आपका सारा डिटेल, नाम, आईडी, ईमेल आईडी, कॉन्ट्रैक्ट आईडी जो होता है आपका, रजिस्ट्रेशन आईडी, डेट ऑफ इनरोलमेंट भी दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप अप्रेंटिस मिला वगैरह जो भी जॉब फेयर वगैरह लगती है आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। और ये देखिए, जो हम बताना चाह रहे थे आपको, योर सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इज रेडी, डाउनलोड COP डिजिटल। ठीक है, तो ये जो COP है यही आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे,
देखिए मेरा डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू हो चुका है, मेरा सर्टिफिकेट। यहाँ डाउनलोड्स पे जा करके ये देखिए, यही आपका अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हुआ है आपको, और ये ऑनलाइन जनरेटेड होता है। ये मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशेंसी। देखिए ये आपका NETS है, ये मेरा नाम, मदर नेम, ये मेरा ब्रांच जहाँ से मैंने किया है अप्रेंटिस, सुब्रोस लिमिटेड, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। ये देखिए, ये है मेरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब मैंने स्टार्ट किया था, 10 अगस्त, ये मेरा डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। और ये है मेरा डेट ऑफ एंडिंग, यानी कि 1 ईयर का जो मेरा है यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला था, ये आपका मतलब ये फ्रंट साइड है, ये आपका फ्रंट साइड सर्टिफिकेट है, और ये आपका सेकंड साइड सर्टिफिकेट है, फ्रंट बैक का है, ठीक है। तो बैक साइड में देखेंगे क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, बैक साइड में जो मैं आपको बता रहा था कि ग्रेडिंग्स जो मिलती हैं, देखिए यहाँ ग्रेडिंग्स आप देखेंगे, 1 जो है बहुत ख़राब है, और ये पुअर, औसत, औसत से अच्छा, इस तरीके से जा करके ये देखिए 10 तक जो है आउटस्टैंडिंग सर्वोत्तम दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जिस तरीके से मुझे ग्रेडिंग्स दी हुई हैं, ये देखिए कम्युनिकेशन स्किल में पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था, मतलब यहाँ देख रहे क्वार्टर वाइज दिया हुआ, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग पीरियड तक मुझे 8 ग्रेड दिए गए थे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन कौन से हमारे पास स्किल्स के ऊपर देते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल, मल्टीटास्किंग स्किल, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट स्किल, एनालिटिक स्किल, पॉजिटिव एटीट्यूड, टेक्निकल स्किल्स में देखिए ये आपका प्रोडक्शन पर है कुछ, ये दूसरा चीज़ होगा TS2, इसके बारे में पता नहीं मुझे, इस तरीके से ग्रेडिंग दी हुई है, ठीक है। तो आई होप, एक चीज़ और दिखेगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, 10 अगस्त को मैंने ज्वाइनिंग करी थी 2017 में, और 9 अगस्त 2018 में मेरा सर्टिफिकेट आ रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, 1 ईयर तो मेरा यहाँ से कंप्लीट, बट ये आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, सर्टिफिकेट का जो जनरेशन डेट है ये देख रहे हैं, 15 मार्च 2019, जी हाँ, 15 मार्च 2019 का इस पे डेट डाला हुआ है। बट ये जो सर्टिफिकेट जो मेरा अप्रूव्ड हुआ है NETS से, वो देखिए डिजिटल साइंस जिस दिन हुआ था वो डेट जो है हमारी ये है, 21/6/2019, जैसा कि मैंने बताया था, अभी हाल जून में ही मुझे सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है। तो ये इस डेट को मेरा ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्रूव्ड हुआ था और जनरेट मेरा सर्टिफिकेट हुआ था, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा जो भी मैंने बताना चाहा था। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी होगी तो वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो बने रहिए इसी के साथ।